अगर आप जीरोधा में पहली बार शेयर को बेचना चाहते हैं, यानी होल्डिंग शेयर को बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेच सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास 630 रुपये इन्वेस्ट है और करेंट में 660 रुपया 50 पैसे चल रहा है, ठीक है। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा 5 क्वांटिटी में बाई कर रखा है। देखिए यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये करेंट हो गया, 30 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये अभी लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पे 5 क्वांटिटी हमने ख़रीदा हुआ है, अब हमें सेल करना है। तो दोस्तों हमें पहली बार सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार हमें सेल करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमें एक बार क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एग्जिट का बटन आएगा, हमें एग्जिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर NSE और BSE हमने किस में ख़रीदा हुआ है, जिसमें ख़रीदा हुआ है उसी में हम बेच सकते हैं। यहाँ पे NSE दिखाई दे रहा है, यहाँ पे BSE दिखाई दे रहा है। हम NSE में ख़रीदे हैं तो NSE का ऑप्शन पहले इस पे टिक का निशान आया हुआ है, ठीक है। तो हमें चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक मार्केट प्राइस आ रहा है, यहाँ लिमिट प्राइस आ रहा है, हमें किस में सेल करना है। अगर हम मार्केट प्राइस में सेल करना चाहेंगे तो तुरंत बिक जाएगा, अगर लिमिट हम डालेंगे तो जो यानी हमें 135 रुपये बेचना है तो यहाँ लिमिट पर 135 डाल देंगे, जब भाव 135 आएगा तभी बिकेगा, उससे पहले नहीं बिकेगा। तो चलिए हम मार्केट प्राइस पे सेल करके आपको दिखाते हैं। देखिए मार्केट प्राइस पे है, अब यहाँ पे स्वाइप टू सेल कर देना है। हमें कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, 5 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 5 डली हुई है, तो स्वाइप टू हम सेल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंट्राडे में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म CNC में होना चाहिए, क्योंकि हमने होल्डिंग किया था शेयर को। तो चलिए हम स्वाइप टू सेल करते हैं। तो दोस्तों स्वाइप टू सेल करने के लिए देखिए ये आ रहा है 5 शेयर, यानी हमें कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये CDSL का वेबसाइट आ जाएगा, यानी इस पे भी हमें कंटिन्यू टू CDSL करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टी पिन मांग रहा है, यानी जब हम पहली बार सेल करेंगे तो टी पिन ज़रूर मांगेगा, तो हमें यहाँ पर टी पिन वेरीफाई कर देना है। तो चलिए मैं टी पिन डाल देता हूँ। अब हम वेरीफाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब वेरीफाई कर रहे हैं तो OTP आएगा, आपने जो रजिस्टर किया है मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा, वो OTP। तो दोस्तों देखिए हमने OTP इस पे डाल दिया है और डाल के हमें वेरीफाई कर देना है। तो हम वेरीफाई पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो डाउन हो जाएगा। अब हम देखिए इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से हमें एक बार बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद देखिए हमारा पोजीशन अभी कटा नहीं है, यानी हमें दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार हम जब शेयर बेचते हैं तो उसको टी पिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम फिर वही प्रोसेस करेंगे दोबारा से, हमें इस पर क्लिक करना है, फिर एग्जिट पे जाना है, फिर हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस पे सेल कर देना है। तो हम मार्केट प्राइस पे स्वाइप टू सेल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्वाइप टू सेल कर दे, यहाँ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम चलिए एक बार देखते हैं ऑर्डर में क्या हुआ है। देखिए हमारा स्वाइप टू सेल हो गया। अब हम ऑर्डर में जाते हैं। दोस्तों ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पर कम्प्लीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ पोजिशन में जाते हैं। दोस्तों देखिए पोजीशन में जा रहे हैं, तो पोजीशन में ये आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट हुआ है, लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ है दोस्तों। ये जब मार्केट सेटलमेंट होगा उसके बाद ये जो ऑर्डर है अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से हट जाएगा। तो इसीलिए जो पहली बार सेल करते हैं उनको कन्फ्यूजन में आती है कि ये तो मैंने सेल कर दिया फिर भी प्रॉफिट लॉस क्यों दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जब सेटलमेंट होता है मार्केट तब जाके ये हट जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अब यही शाम को जब सेटलमेंट होगा उसके बाद कल देखना है तो ये हट जाएगा ऑर्डर, यानी आपका जो सेल हुआ है होल्डिंग शेयर सेल हुआ है वो सेल हो जाएगा, यहाँ से सब हट जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के साथ।